क्या चल रहा है दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं लेनोवो कैट प्लस और लेनोवो कैट नोट के बीच में चार्जिंग टेस्ट को करने वाला हूं और हम ये देखेंगे कि इनमें से कौन सा फोन को सबसे पहले फुली चार्ज करेगा। लेनोवो कैट नोट जो है ये टर्बो चार्जिंग को सपोर्ट करता है और उसका चार्जिंग एडेप्टर पर जो रेटिंग्स है वो 5, 9 और 12 वोल्ट है और उसका आउटपुट जो है वो 15 वोल्ट का है। दूसरी तरफ लेनोवो कैट प्लस जो है ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और उसके चार्जिंग एडेप्टर पर जो रेटिंग्स है वो 5 वोल्ट और 2 एम्प है। चार्जिंग टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दोनों फ़ोन के अंदर सेम अमाउंट ऑफ एप्स हैं जिन्हें मैं पर्सनली यूज़ में लेता हूँ, तो हम ये देखेंगे कि नॉर्मल कंडीशन में इन दोनों फ़ोन को चार्ज करने पर ये एप्स भी चार्जिंग परफॉर्मेंस पे कितना इम्पैक्ट करेंगे। दोनों ही फ़ोन के अंदर 4000 mAh की बैटरी है और इस वक्त दोनों ही फ़ोन के अंदर बैटरी का जो लेवल है वो 20% पे है। तो अब चार्जिंग टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और अब मैं हर आधे घंटे के आसपास में बैटरी का जो लेवल है उसे चेक करता रहूँगा। और अब मुझे इन दोनों फ़ोन को चार्ज पर लगाए हुए आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है और अब कैट नोट में जो बैटरी का जो लेवल है वो 48% पे है और कैट प्लस के अंदर जो बैटरी का लेवल है वो है 41% पे। तो कैट नोट 7% के बैटरी के लेवल के साथ में लीड कर रहा है और अब आधे घंटे के बाद में कैट नोट का जो बैटरी लेवल है वो है 69% पे और कैट प्लस का जो बैटरी लेवल है वो है 58% पे। तो अब कैट नोट के पास में 11% की लीड है। तो अभी तक तो शुरुआत में तो कैट नोट जो है ये फ़ोन को थोड़ा जल्दी चार्ज कर रहा है और ऐसा हम उम्मीद भी कर सकते हैं कैट नोट के साथ में, क्योंकि ये क्योंकि चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और अब आधे घंटे के बाद में कैट नोट का जो बैटरी लेवल है वो है 89% पे और कैट प्लस का जो बैटरी लेवल है वो है 75% पे। तो अब तो कैट नोट 14% की लीड के साथ में आगे चल रहा है और अब मैं फिर से 30 मिनट्स के बाद में दोनों फोन्स की बैटरी को लेवल को चेक कर रहा हूँ। तो अब कैट नोट का जो बैटरी लेवल है वो है 97% पे और कैट प्लस का जो बैटरी लेवल है वो है 91% पे। और इन 30 मिनट्स में कैट प्लस ने काफ़ी कवर कर लिया है और अब दोनों फ़ोन के बीच में जो डिफरेंस है वो सिर्फ 5% का है। लास्ट के जो 10% है ये दोनों ही फ़ोन उसे चार्ज करने में थोड़ा ज़्यादा समय ले रहे हैं और ऐसा मैंने नॉर्मली ज़्यादातर फोन्स के अंदर नोटिस किया है कि वो लास्ट के 10% को चार्ज करने में थोड़ा ज़्यादा समय लेते हैं। तो 7:02 पे कैट नोट का जो बैटरी लेवल है वो है 100% पे और कैट प्लस का जो बैटरी लेवल है वो है 98% पे। और 7:10 पे कैट प्लस फोन की बैटरी को फुली चार्ज कर देता है। तो इस चार्जिंग टेस्ट में कैट नोट कैट प्लस के कंपैरिजन में फ़ोन की बैटरी को थोड़ा जल्दी चार्ज कर देता है, लेकिन फिर भी टाइमिंग डिफरेंस जो है वो दोनों फ़ोन के बीच में ज़्यादा नहीं है। तो इस चार्जिंग टेस्ट में कैट नोट ने फ़ोन की बैटरी को 20% से 100% तक चार्ज करने में 2 घंटे और 17 मिनट का समय लिया है और कैट प्लस ने 2 घंटे और 25 मिनट का समय लिया है। कैट प्लस तो नॉर्मली फ़ोन को इतनी ही देर में चार्ज करता है, लेकिन यहाँ पे कैट नोट ने थोड़ा ज़्यादा समय लिया है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने कैट नोट की बैटरी को 10% से 100% तक चार्ज किया था उस वक्त कैट नोट ने 2 घंटे के आसपास में फ़ोन को फुली चार्ज कर दिया था, लेकिन इस चार्जिंग टेस्ट में रिजल्ट आपके सामने है और कैट नोट ने फ़ोन को चार्ज करने में थोड़ा ज़्यादा समय लिया है और इसकी वजह वो एप्स भी हो सकते हैं जो बैकग्राउंड के अंदर बैटरी को यूज़ में ले रहे हैं। तो ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।